जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। प्रभु जी जय भोले जी की। भैया बहुत तमन्ना है बाबा के दरबार ले चलो। बस जी हमारी भी तमन्ना है कि हम भी आपके साथ ही बाबा के दरबार चलें। बाबू आप तो हर साल जाते हो, हम तो पहली बार जा रहे हैं। बस जी हर साल जाने वाले को तो पूछो मत क्या हालत है आपकी एट में। हर साल इच्छा थी एक साल में सारी यात्राएं छोड़ के बाबा जी की यात्रा करते थे। हम गाजियाबाद से बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा गाजियाबाद से। हाँ जी हाँ, अजय चोपड़ा जी का हाथ पकड़ा हुआ लेकिन वो भी कुछ जवाब नहीं दे रहे। कोई जवाब कह दे सकता है? ये सब शिव भक्त बेचारे बिना जवाब के हो गए क्योंकि शाइन बोर्ड कोई जवाब नहीं दे रहा है ना। आप जानते हो अजय चोपड़ा जी को? नहीं जी, आपने नाम कहा तो भोले बाबा की भक्ति होंगे। शिव शक्ति सेवा समिति में है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी सुंदर कुमार जी दिल्ली। अच्छा अच्छा जी, उसके मेंबर है। बहुत बढ़िया जी। हाँ सभी शिव भक्त हैं जो यात्रा में है ना, भंडारे वगैरह का योगदान। हाँ भंडारा लगाते हैं उनका लगता है बालचाल में। हाँ जी हाँ जी, लेकिन दिक्कत ये है ना कि शाइन बोर्ड की कोई अभी वो नहीं दे रहा है। अभी एक भक्त से 9 मिनट यही बात कर रहा था मैं। वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, शाइन बोर्ड को भी बोल रहे हैं और सरकार को भी बोल रहे हैं। हाँ। जी क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारे एक तो कोरोना है नहीं तो कहीं। आपकी राय में क्या उम्मीद लग रही है? मेरी राय में देखो जी, यात्रा ना होने का कोई कारण नहीं है। पहली बात होनी चाहिए, होनी चाहिए और होगी यात्रा जो मुझे लग रहा है। बहुत कम टाइम के लिए हो। हाँ कम टाइम, मैं तो कह रहा हूँ 15 दिन के लिए यात्रा कर दो आप, पर यात्रा को बंद मत करो ना। देखो नहीं ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ छड़ी मुबारक जाए बारी बोले रह जाए। ना ना वही तो समस्या है। एक्चुअली कुछ पॉलिटिकल इनका अंदर चल रहा है तो बात अलग है, तैयारियां नहीं हुई है तो वो बात भी अलग है। ऐसे सुनने में आया है। हाँ वो बात अलग है। छड़ी मुबारक जाएगी वो भी हेलीकॉप्टर से और थोड़े थोड़े आदमी जाएंगे अपना मैन मैन और अपना। मैं तो मैं वो भैया भी ये कह रहे कि मेन मेन के चक्कर में ना ये बाबा ने जिसने तीसरी आंख खोल दी ना गड़बड़ हो जाएगी। लोगों को अभी समझ नहीं आ रही है, बख्श दिया है, दो बार कोरोना आके चला गया, फिर भी लोग सोच रहे हैं कि ये भेदभाव और ये सब चीजें करनी ठीक नहीं है। देखो है ना, साल में एक बार यात्रा होती है तो जब माता वैष्णो देवी जी की यात्रा चल रही है तो बाबा अमरनाथ जी की चला दो, क्या दिक्कत है? पता है क्या है, चलो हम तो यात्री हैं, हम इस बार नहीं गए पिछली बार नहीं गए मान लिया, लेकिन जो बेचारे वहाँ घोड़े वाले पिट्ठू वाले पालकी वाले जिनके बच्चे ही इस यात्रा के ऊपर पल रहे हैं, हैं जी पूरे साल का खाना कमाते हैं। हाँ हाँ देखो ना, आप सोचो ना उनके पास और क्या है, टूरिज्म इस साल नहीं हुआ वैसे भी तो क्या करेंगे क्या खाएंगे वो बताओ ना। अब हमारी उम्र भी 60 साल हो गई है भैया, बता रही आगे हिम्मत बने ना बने शरीर में। ये भी सही बात है। हाँ अभी तो हमारी अभी तो इम्यूनिटी बढ़िया है। मैं कह तो रहा हूँ सब लोगों ने इतनी अरदास की, भगवान से प्रार्थना की, जब जाके कोरोना थोड़ा कंट्रोल में आया यात्रा नहीं कर रहे हैं तो गलत है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ गाइडलाइन चाहे चेंज करें कुछ भी करें पर यात्रा जरूर करनी चाहिए, है ना। अच्छा क्यों, कैसे मिलेगा हमें समाचार? समाचार यही नंबर मेरा व्हाट्सएप पे, आप एक मैसेज कर दो तो जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा मैं आपको भेजता रहूंगा। क्या करना है वो अपडेट? यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube के वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द और सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।